गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा था, कलम ने काफ़ी सारी हेडिंग्स इसकी क्लियर कर ली थी, पढ़ ली थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो आपके मेनली दो टाइप के होते हैं, होमोलेप्टिक हेटरोलेप्टिक, बट तीसरा है इसमें लेवाइलेंट इनर्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो होमोलेप्टिक क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इन विच द मेटल एटम और आयंस इज लिंक टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर एटम्स। केवल वन काइंड ऑफ डोनर, मतलब उसमें जो लिजेंड है वो केवल वन टाइप करेगा, एक तरह का करेगा, आर कोल्ड होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे इसमें सी ओ एन एस थ्री का ऑल्सो होल सिक्स है, तो यहाँ पे एन एस थ्री आपका लिजेंड है ना, तो ये तो डोनर एटम होता है, कल हमने पढ़ा था लिजेंड। दूसरा हेटरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स इन विच द मेटल एटम्स और आयन इज लिंक टू मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर एटम। तो आप एग्जाम्पल देखिए, सी ओ एन एस थ्री का ऑल फोर और सी एल टू, यहाँ पे अमीन भी है और क्लोरो भी है, या क्लोराइड हो जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट लेवाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स इन विच द लिगेंड सब्सटीट्यूशन इज फास्ट एज नोन एज लेवाइल कॉम्प्लेक्स एंड इन विच लिगेंड सब्सटीट्यूशन लो, उसे इनर्ट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ओके बेटा, फिर नेक्स्ट आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। दिस कॉन्सेप्ट वॉज प्रपोज बाय सिडविक इन ए कॉम्प्लेक्स द ईएन ऑफ मेटल एटम इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट। तो ईएन इक्वल्स टू जेड माइनस ओ एन ऑफ मेटल्स प्लस टू इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर में टू से इंटू क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो आपका यूनिट डेंटेट होते हैं उसमें भी आपके दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, दैट्स व्हाई। जेड एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल है, ओएन आपका ऑक्सीडेशन है, सीएन आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है। एन आयन विद सेंट्रल मेटल एटम हैविंग ईएन इक्वल टू द नेक्स्ट इनर्ट गैस विल बी मोर स्टेबल। फिर आपका आईयूपीएसी है, ठीक है, आईयूपीएसी के इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, नॉर्मल आपको चीज़ें बार बार वही सेम रिपीट होनी है। आपके इसमें स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा था कि आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तीन तरह के होते हैं नॉर्मल, जैसे आपके कैटायनिक आयनिक और न्यूट्रल थे, तो आपके इन्हीं पे आपके आईयूपीएसी आते हैं। तो आपको क्या करना है कि आईयूपीएसी के रूल्स लिखने हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले रूल में इसने कहा नेम ऑफ द कंपाउंड इज रिटन इन टू पार्ट, कैटायन और एनायन। सेकेंड कैटायन इज नेम्ड, फर्स्ट इज बोथ पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन को कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखना कैटायन का नाम सबसे पहले, सॉरी, डी डिसिमिलर लिजेंड आर नेम्ड इन ओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ऑफ आयन। आपको पता है कि लिजेंड का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। नेक्स्ट में बताऊँ, अगर आपके पास किसी आईपीएससी में दो लिजेंड है तो उन लिजेंड को भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर लगाते हैं, ठीक है। फॉर मोर देन वन सिमिलर लिजेंड द प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा पेंटा एक्सेप्टा ऑक्टा आर एडिड बिफोर इट्स नेम इफ द डाई ट्राई ऑलरेडी अपर इन द कॉम्प्लेक्स बिस्टिस टेट्रा किस आर यूज्ड। अगर जनरली मैं आपको बताऊँ, अगर कोई यूनिडेंटेट है तो आप वहाँ पे मोनो डाई टेट्रा पेंटा एक्सेप्टा आप यूज़ करते हैं। अगर कोई बाइडेंटेट है, जैसे थैलिन डायमीन था आपका, ऑक्सिलेट है आपका, तो उसके लिए आप बिस्टिस टेट्रा किस पेंटा किस हेप्टा किस और ऑक्टा किस आप ये यूज़ करते हैं। इफ़ द कॉम्प्लेक्स पार्ट इज एनायन द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड विद सफिक्स एट। ध्यान रखना, अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट आपका एनायन है तो उसमें जो आपके सेंट्रल मेटल एटम है उसके नाम में हमेशा एट लगाते हैं। जैसे एफ ई है, आयरन बोलते हैं, बट वहाँ पे आयरन ही लिखा जाएगा, वहाँ पे फेरेट लिखा जाएगा। जिंक जिंकेट निकलेट क्यूपरेट क्रोमेट, ठीक है। नेम ऑफ द एनायनिक लिजेंड एंड इन ओ, ये जीरो की बात है, नेम्स ऑफ पॉजिटिवली लिजेंड एंड विद ई एम आई यू एम एंड नेम ऑफ न्यूट्रल लिजेंड सच एज बोथ एक्सेप्शन आर, जैसे एक्वा को एच टू ओ नॉर्मल लिखते हैं और एन एस थ्री को अमीन लिखते हैं, सी ओ को कार्बोनिल लिखते हैं, एन ओ को नाइट्रोसाइल लिखते हैं, ये आपके एक्सेप्शन है। वरना तो एन आई एन वाले में ओ एड होता है और पॉजिटिवली चार्ज जो आपके लिजेंड होते हैं उनमें आई एम यू यूज होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द मेटल इन कैटायन एन आयन न्यूट्रल कंडीशन वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमेरिकल। ध्यान रखना, आप हमेशा रोमन में लिखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी आप लिखना है उसका जितना भी ओ एन है। द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स पार्ट इज रिटन एज वन वर्ड। इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज कैटायन द मेटल इज नेम्ड सच एज द एलिमेंट द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल नेम्ड सिमिलर टू द कॉम्प्लेक्स। जैसे आपको फर्स्ट आईपीएससी है, अगर मैं आपको बताऊँ तो इसके दो पार्ट है, ठीक है, एक ब्रैकेट है एक विदाउट ब्रैकेट जो बाहर की साइड है, जिसे काउंटर आयन बोलते हैं, कल पढ़ा था हमने। तो जो यहाँ पे सी एल थ्री राइट हैंडेड साइड जो एंड में वो आपका काउंटर आयन और इसका आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो जब भी आप कोऑर्डिनेशन जो भी आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा आप उसी का नाम लिखते हैं, जब भी आप कोऑर्डिनेशन एंटिटी स्फीयर के अंदर आप एंटर करते हैं तो सबसे पहले आप लिजेंड देखते हैं। यहाँ पे कितने लिजेंड है? दो, एक अमीन और दूसरा एक्वा।
अब सबसे पहले आप अल्फाबेटिकली आपको ऑर्डर भी लगाना है, अल्फाबेटिकली आपको इसमें ऑर्डर भी लगाना है, ठीक है। अब इसमें अमीन और एक्वा में देखना है कौन है, फिर दूसरी बात आपको देखना है कि अमीन के कितने एक्वा कितने हैं, ठीक है। तो इसमें ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, बेटे इसका नाम नहीं गलत हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या रहेगा आपका, ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, उसके बाद आपका क्रोमियम आएगा, सेंट्रल मेटल एटम आएगा, उसका नंबर अभी आप छोड़ दो, और आउटर साइड पे क्या Cl है, तो Cl का नाम नॉर्मल रहेगा क्लोराइड। बाहर वैल्यू चाहे कितने भी हो, आप उसमें कभी थ्री के लिए आप ट्राई यूज़ नहीं करेंगे, टू के लिए आप डाई यूज़ नहीं करेंगे, काउंटर आने के लिए आप नॉर्मल क्लोराइड रखेंगे। अब आपको इसका ओएन निकालना है, ओएन कैसे निकलेगा, NH3 आपका न्यूट्रल होता है, जीरो चार्ज होता है इसके ऊपर, तो जीरो रहेगी वैल्यू। H2O भी एक्वा आपका जीरो चार्ज होता है, जीरो रहेगी वैल्यू। Cl पे आपका -1 चार्ज होता है, माइनस बराबर में जाके प्लस का हो जाता है, तो माइनस यहाँ पे 3 है ना, Cl 3 है, तो -3 हुए बराबर में +3, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन नंबर इस वजह से है। इसमें जो क्लोरोक्रोमियम लिखा है ये बेटे गलत है, नाम इसमें एक्वा आएगा, ठीक है। फिर आपको इसमें सेकेंड वाले में क्या दिया हुआ है कि CO, फिर H2CH2CH2H2 की होल थ्राइज, उसका आउटर ट्वाइज, और SO4 की थ्राइज। तो हमने स्टार्टिंग में क्या यूज़ कर दिया, हमने ट्रिस यूज़ कर दिया, क्या कर दिया ट्रिस। फिर इथेन 1 2 डायमीन कोबाल्ट थर्ड, और बाहर क्या आपका सल्फेट, और इसकी थ्राइज है वो स्टार्टिंग में हमने थ्राइज हमने यूज़ कर दी। नेक्स्ट वाले में क्या है, आपका न्यूट्रल वाला है, इसमें AgNH3 का ऑल्टवाइज, AgCN का ऑल्टवाइज है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिजेंड का नाम लिखेंगे, डाई अमीन आ गया, फिर सिल्वर है सिल्वर आ गया, सिल्वर के ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे फर्स्ट रहेगी, ऐसे यहाँ पे डाई साइनो या साइनाइडो अर्जेंटेट आएगा, क्या आएगा अर्जेंटेट, और फिर यहाँ पे बन रहेगी, ठीक है बेटे। न्यूट्रल वाले ये बनाने से पहले ना, पहले कैटायन और एनायन वाले बनाया जाता है, उसके बाद हम न्यूट्रल पे चलते हैं, तब हमें इनके ऑक्सीडेशन नंबर हम अच्छी तरीके से फाइंड आउट हम कर पाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैटायन और एनायन वाले पे ध्यान देंगे, उसके बाद आप न्यूट्रल वाले पे चलेंगे। फिर आपका K4 एफिशिएंसी 6 नॉर्मल सा है, स्टार्टिंग में पोटेशियम का नाम आया, फिर लिजेंड आएगा, लिजेंड का नंबर आएगा, हेक्सा साइनो है और Fe है, तो नेगेटिव वो 8 लेगा नाम में, तो फेरेट आएगा, और सेकंड इसकी वैल्यू सेकंड क्यों आई, पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज, Cn पे नेगेटिव चार्ज, 6 में 4 गए के दो रहेगी, समझ में आ गया। और इससे अलग भी मतलब आप नोटबुक आपके NCERT में बहुत सारे पीसेस दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, आप वे तैयार करना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पहले आप अपने पॉजिटिवली चार्ज वाले करना, मतलब कैटायन वाले कर लेना, एनायन वाले कर लेना, उसके बाद आप न्यूट्रल पे मूव करना, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि क्या होता है, इनका जो फॉर्मूला रहेगा वो सेम रहेगा, स्ट्रक्चर डिफर हो सकती है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर डिफर हो सकती है। अब वो डिपेंड करता है चैन आइसोमर है तो चैन डिफर हो सकती है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में है तो फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इन दिस आइसोमेरिज्म आइसोमर हैव डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर चेंज होनी है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। फर्स्ट है लिंकेज आइसोमर, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग एम्बीडेंटेंट लिगेंड। बेटे कल बात हुई थी एम्बीडेंटेंट, वो यूनिडेंटेंट लिगेंड होते हैं जो दो साइड से, मतलब एक टाइम पे एक से ही करेगा, पर उसके बाद दो अलग अलग साइट होती है डोनेट करने के लिए, जैसे SCN नेगेटिव में वहाँ पे सल्फर से भी और नाइट्रोजन से भी कर सकता था, ठीक है। एग्जांपल आप नोटिस करो, CONH3 का ऑल 5 NO2 और Cl एंड CONH3 का ऑल 5 ONO, तो यहाँ पे हुआ क्या है, जो NO2 है आपका उसी को ही ONO करके लिखा, यहाँ पे नाइट्रो है और वहाँ पे नाइट्राइटो बन जाएगा। आप नॉर्मल NO2 का आप नाइट्रो बोलते हैं, और जब ये ONO की फॉर्म है तो आप इसे नाइट्राइटो बोलते हैं, ठीक है। ये इसमें बेटे डिफरेंस है, और आप इसका IUPAC नेम तो आप बना ही लोगे, वो नीचे दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ लिजेंड बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स ऑफ डिफरेंट मेटल आयन प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स। नीचे क्या है, Cr NH3 होल 6 CO CN 6, इसने क्या किया है कि इसमें इंटरचेंज कर दिया लिजेंड को ही। आप बराबर में देखेंगे तो आपको Cr के पास CN दिखाई देगा और CO के पास आपको NH3 दिखाई देगा, ठीक है। आयनाइजेशन, दिस आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयनाइजेबल एनायन एंड एनायनिक लिजेंड। तो नीचे क्या आपको CONH3 का होल 5 SO4 और बाहर भी आ रहे, तो क्या हुआ जो काउंटर आयन था वो अंदर चला गया, जो अंदर वाला लिजेंड तो बाहर चला गया, ठीक है।
सोरबेट आइसोमेरिज्म, दिस इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इन दिस आइसोमेरिज्म वाटर इज टेकन एज सोलवेंट, इट हैज डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आउटसाइड। आप इसमें नोटिस करें CO H2O का ऑल सिक्स और बाहर फिर Cl3 है काउंटर आयन में। आप फिर इसे दोबारा क्या देखेंगे, आप CONH3 का होल फोर, वो H2O का होल फोर कर दिया, जहाँ पे H2O सिक्स था यहाँ पे फोर कर दिया और टू इसमें बाहर की साइड रिमूव कर दिए। नेक्स्ट वाले में H2O इनसाइड भी तीन रख लिया और आउटसाइड भी तीन ही कर दिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एज ए सॉल्वेंट वर्क कर रहा है, आपको शो हो रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे डॉट में जा रहा है, बाहर रिमूव हो रहा है। फिर आपकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमर्स हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल बॉन्ड्स बट हैव डिफरेंट स्पेशल एलिमेंट। जैसे आपने सिसो ट्रांस आपने पहले पढ़े हुए हैं, तो इसमें फर्स्ट है ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ऑफ टू टाइप्स, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। दिस आइसोमर्स इज कॉमन इन कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 and 6। फर्स्ट वाला आपका टेट्राहेड्रल आया, तो टेट्राहेड्रल डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मूला MX2Cl2 X एंड LR यूनिडेंटेड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। द टू एक्स लिजेंड मे बी अरेंज्ड एडजेसेंट टू ईच अदर इन ए सिस आइसोमर, तो आपको नीचे सिस और ट्रांस आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, नोटिस करो PT में इधर राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड साइड NH3 भी है Cl भी है। ठीक है, और जो राइट हैंडेड साइड है उसमें ऊपर की साइड NH3 है Cl है, तो इसके सिस फॉर्म है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि इनका जो पैटर्न है वो क्रॉस में चला दिया, Cl यहाँ पे क्रॉस कर रहा है और NH3 यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, इसे इसके ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। समझ में आ गया। थर्ड आपका स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप MABXL, जहाँ पे ABXL आपके यूनिडेंटेड लिजेंड है। ठीक है, जिसमें टू सिस और वन ट्रांसफॉर्म होंगे। ठीक है, थ्री आइसोमर्स इसमें आपके बनेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको केवल यहाँ तक का काम आपको पूरा करना है। ठीक है बेटे, तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो आप ये काम पूरा करेंगे। आगे का जो वर्क है वो इससे कुछ सिमिलर ही है, उसमें आपकी केवल कोऑर्डिनेशन नंबर आपका अगर 6 रहेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, तो वो सब आप थोड़ा सा पढ़ लेना और यहाँ तक के अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना। ओके ओके, थैंक यू सो मच।